कमरे में बैठा एक शख्स आसमान की ओर निहार रहा था। कुछ देर बाद वो जमीन की ओर देखता है, फिर अपने पैर से जमीन को ठोकर मारता है। उसके मुंह से निकलता है, लेकिन वो घूमती है। ये साल 1634 की बात है और जिस शख्स की जबान से ये शब्द निकले थे उनका नाम था गैलीलियो गैलीली। वो शख्स जिसने ये बोल कर कि सूरज धरती के चारों तरफ नहीं घूमता बल्कि धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है, धर्म की सत्ता को चुनौती दे डाली और जिसकी उसे बड़ी भारी सजा भुगतनी पड़ी। लेकिन क्या गैलीलियो का कसूर सिर्फ इतना ही था? रोमन कैथोलिक चर्च ने गैलीलियो को सन 1633 में सजा सुनाई, जबकि इससे एक सदी पहले ही निकोलस कॉपरनिकस ने धरती के सूरज के इर्द गिर्द घूमने वाली थ्योरी दे दी थी। कई साल तक आम लोगों के बीच भी ये बात प्रचलित रही थी। फिर सजा गैलीलियो को ही क्यों मिली और क्यों उनके मरने के बाद उनके शरीर से 3 उंगलियां काट ली गई, ये सब जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। साल 1592 की बात है, पीसा की झुकी हुई मीनार का नाम आपने सुना ही होगा। किस्सा मशहूर है कि एक बार गैलीलियो इस मीनार के ऊपर चढ़ गए थे। उनके हाथ में थे 2 गोले, एक भारी और एक थोड़ा कम भारी। गैलीलियो ने दावा किया कि देखना, दोनों गोले समान गति से नीचे गिरेंगे। गैलीलियो एक बड़ी यूनिवर्सिटी में टीचर थे, इसलिए उनके इस एक्सपेरिमेंट को देखने उनके बहुत से छात्र भी आए थे, लेकिन किसी को गैलीलियो की बात पर विश्वास था नहीं। गैलीलियो से पहले लगभग 2000 साल से लोग यूनानी दार्शनिक अरस्तु के सिद्धांत को मानते आए थे, जिसके अनुसार जो चीज़ ज़्यादा भारी होगी वो और तेज़ी से नीचे आएगी। गैलीलियो ने अपने एक्सपेरिमेंट से बात गलत साबित कर दी। आज विज्ञान का साधारण सिद्धांत है कि धरती पर हर चीज़ जो गिरती है उससे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन मिलता है, झेलना पड़ता है, और इस गति का भार से कोई लेना देना नहीं होता। इस एक्सेलरेशन का कोई संबंध नहीं भार से उसके। आप पंख भी ऊपर से गिराएंगे और लोहे का गोला भी अलग अलग गति से ये नीचे नहीं आ सकते। अगर वैक्यूम होगा तो, हवा होती है तो ज़रूर पंख को कुछ रेजिस्टेंस मिलेगी। अगर वैक्यूम में दोनों साथ गिराए जाएंगे तो दोनों साथ में ही ज़मीन तक पहुँचेंगे। फिर भी विश्वास न हो तो ऐसे कई एक्सपेरिमेंट्स आप इंटरनेट पर देख सकते हैं या चाहे तो खुद भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि पंख के नीचे एक किताब रखनी है, इसके बाद उसे और किसी भारी वस्तु को साथ साथ गिराना है। पंख के नीचे किताब रखने से हवा का रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा और दोनों चीज़ें साथ साथ ही नीचे गिरेंगी। बहरहाल 16वीं सदी में इस बात को साबित कर गैलीलियो ने पहली बार अरस्तु से पंगा लिया और फिर एक के बाद एक ऐसी खोजें की जिन्होंने अरस्तु को गलत साबित किया। उन्होंने टेलीस्कोप की मदद से साबित किया कि चांद एक चिकनी सतह वाला गोला नहीं है बल्कि उसमें खड्डे और पहाड़ भी हैं। उन्होंने जुपिटर के 4 उपग्रहों की खोज की और शनि ग्रह के इर्द गिर्द घूमते छल्लों को पहली बार देखा। हालांकि तब उन्हें लगा था कि छल्ले कोई और ग्रह होंगे। ये सभी खोजें अपने आप में महान थी क्योंकि अरस्तु के सिद्धांतों के हिसाब से ब्रह्मांड में मौजूद हर वस्तु धरती के इर्द गिर्द घूमती थी। ऐसे में पता चलना कि दूसरे ग्रह के अपने खुद के उपग्रह भी होते हैं जो उनके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, ये चौंकाने वाली बात थी। इन खोजों ने गैलीलियो को रोम और आसपास के राज्यों में सबसे मशहूर व्यक्ति बनाया। हालांकि उनकी यही खोजें एक ऐसे रास्ते का निर्माण कर रही थी जिस पर आगे चलकर गैलीलियो को सर्वशक्तिशाली रोमन कैथोलिक चर्च से टकराना था। गैलीलियो और चर्च का पंगा कैसे शुरू हुआ, उसके लिए हमें एक घटना के बारे में जानना पड़ेगा। गैलीलियो एक के बाद एक अरस्तु के हर सिद्धांत को गलत साबित कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अरस्तु के उस सिद्धांत को चुनौती नहीं दी थी जो कहता था कि धरती ब्रह्मांड के केंद्र में है और बाकी सभी चीज़ें उसके इर्द गिर्द घूमती हैं। बाकायदा अपने करियर के शुरुआत में गैलीलियो इस बात पर विश्वास करते थे। फिर एक रोज़ एक घटना ने उनके मन में शक पैदा किया। हुआ यूं कि उनके कुछ छात्रों को एक वैज्ञानिक सम्मेलन में बुलाया गया जहां कॉपरनिकस की थ्योरी का प्रदर्शन होना था। निकोलस कॉपरनिकस गैलीलियो से पिछली सदी में पैदा हुए थे। उन्होंने ये थ्योरी दी थी कि ब्रह्मांड में केवल धरती नहीं है केंद्र में, उसके केंद्र में सूरज है। गैलीलियो इस थ्योरी को बकवास मानते थे, इसलिए सम्मेलन में वो गए नहीं। जब उनके छात्र सम्मेलन से लौटे तो उन्होंने पूछा कि किस किस को कॉपरनिकस की थ्योरी पर भरोसा हुआ। सभी छात्रों ने ना में जवाब दिया सिवाय एक के। उसने बताया कि उसे कॉपरनिकस के तर्क सही लगे। अब यहाँ गैलीलियो के सोचने का तरीका आप देखिए। कॉपरनिकस की थ्योरी को टालना सरल था क्योंकि पूरी दुनिया जिसके खिलाफ हो उसे नकार देना कितना ही मुश्किल काम है। सब गलत बोल रहे हैं, आप भी बोल दीजिए। लेकिन अगर एक व्यक्ति उसका समर्थन कर रहा है तो पहली बात उस व्यक्ति में ऐसा कहने की हिम्मत है।
दूसरा, वो व्यक्ति सिर्फ तभी ये कहेगा जब उसे कॉपरनिकस के तर्कों में दम लगेगा। ये सोचकर गैलीलियो ने कॉपरनिकस के तर्कों को पढ़ना शुरू किया और यहीं से वो यात्रा शुरू हुई जिसने उन्हें रोमन कैथोलिक चर्च के सामने लाकर खड़ा कर दिया। आगे क्या हुआ आप देखिए। साल 1615 तक गैलीलियो को भरोसा हो गया कि धरती के केंद्र में होने की बात तो गलत है, ये बात बाइबल के खिलाफ जा रही थी, लेकिन इसलिए वो आम लोगों के सामने ये बात नहीं कहते थे। साल 1615 में उन्होंने इस बाबत एक खत में लिखा, प्रकृति को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंसान उसके नियमों पर विश्वास करे या नहीं। इसी खत में गैलीलियो एक और बात लिखते हैं, वो कहते हैं बाइबल में लिखा कुछ भी गलत नहीं, लेकिन प्रकृति के नियम भी गलत नहीं है। अगर दोनों के बीच कोई अंतर आता है तो इसका मतलब है हमें बाइबल के सूत्रों की व्याख्या को बदलना पड़ेगा। अब ये बात रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ चली गई, क्योंकि चर्च का कानून था कि बाइबल की व्याख्या का हक सिर्फ चुनिंदा लोगों के पास है। चर्च के पास जब यह खबर पहुंच गई कि गैलीलियो इस तरह की बात कर रहे हैं, बाइबल की दूसरी व्याख्या की बात कर रहे हैं, उन्होंने अपना एक पादरी गैलीलियो के पास भेज दिया। इस मुलाकात में गैलीलियो और चर्च के बीच एक समझौता हुआ जिसमें कहा गया कि गैलीलियो सूरज के ब्रह्मांड के केंद्र में होने की बात को प्रसारित नहीं कर पाएंगे। आपको पता चल गया, आप खुश रहिए, आप लोगों को मत बोलिए, ना इस मसले पर कोई किताब लिखेंगे, ना पब्लिक में इस थ्योरी को बढ़ावा देंगे। मामला शांत हुआ यहाँ पे एक बार। यहाँ से कहानी पहुँचती है साल 1632 में। इस साल गैलीलियो ने एक किताब लिख दी जिसका शीर्षक था डायलॉग कंसर्निंग द टू चीफ वर्ल्ड सिस्टम्स। इसी किताब के चलते गैलीलियो पर मुकदमा चला। ऐसा क्या था इस किताब में? यह किताब एक संवाद के शक्ल में लिखी गई थी जो दो लोगों के बीच चल रहा है, एक जो ये मानता है कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूरज है और दूसरा जो मानता है कि केंद्र में पृथ्वी है। किताब में दोनों अपने अपने तर्क देते हैं। चूंकि गैलीलियो खुद मानते थे कि केंद्र में सूरज है, इसलिए उन्होंने इसके पक्ष में अपने नजरिए से तर्क भी लिखे, जबकि दूसरी तरफ के तर्क जरा कमजोर पड़ गए। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि 1616 में गैलीलियो ने चर्च से समझौता कर लिया था कि बाइबल की बात के विरोध में नहीं लिखना है, फिर उन्होंने यह किताब क्यों लिखी? दरअसल यह किताब लिखने का सुझाव उन्हें खुद पोप ने दिया था। 1623 में चर्च के एक नए पोप हुए जिनका नाम था पोप अर्बन, 8वें थे ये। पोप बनने से पहले ये महोदय गैलीलियो के मुरीद हुआ करते थे, उनकी वैज्ञानिक थ्योरीज को काफी बढ़ावा भी देते थे, बल्कि जब 1616 में गैलीलियो के खिलाफ चर्च ने कड़ा कदम उठा लिया, अर्बन ने इसके खिलाफ कहा भी। वो बनने के बाद उन्होंने गैलीलियो से कहा कि वो कॉपरनिकस की थ्योरी के पक्ष और विपक्ष में तर्क देते हुए एक किताब लिखें। गैलीलियो तैयार भी हुए और उन्होंने किताब लिखी क्योंकि पोप ने कहा था। हालांकि यहीं पर उनसे गलती हो गई, कोट अनकोट। किताब में जो पात्र कॉपरनिकस की थ्योरी का विरोध कर रहा था, उन्होंने उसे सिंपल्टन नाम दिया। अंग्रेजी के इस शब्द का अर्थ होता है अनाड़ी, एक अति साधारण आदमी। पोप ने जैसे ये किताब पढ़ी, उन्हें गुस्सा आ गया कि ये आदमी मुझे अनाड़ी बुला रहा है। उनको लगा कि मेरे खिलाफ लिख दिया। उन्होंने गैलीलियो के खिलाफ मुकदमा शुरू करने का आदेश दिया। 22 जून 1633 गैलीलियो को चर्च के एक बड़े हॉल में बुलाया गया। उनके सामने 10 पादरी और पोप खड़े हुए। मुकदमे की कार्रवाई पूरी हुई, फैसला सुनाया गया। घुटने के बल बैठे हुए गैलीलियो को ईश निंदा का दोषी करार दे दिया गया, ब्लास्फेमी। गैलीलियो अपने बचाव में लगातार बोलते रहे, लेकिन चर्च ने सुनी नहीं। अंत में उन्हें अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ी और सजा के तौर पर उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। बाद में आजीवन कारावास की सजा को नजरबंदी में तब्दील किया गया। एक किस्सा मशहूर है कि सजा मिलने के बाद उन्होंने कहा था कि लेकिन वो फिर भी घूमती है, मुझे चाहे सजा दे दो लेकिन धरती सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। अब ये डिसेंट की तरह पेश किया जाता है। हालांकि ये बात कितनी सच है इसे लेकर मतभेद हैं कि उन्होंने ऐसा बोला था नहीं बोला था एग्जैक्टली उसी समय। ये बात पहली बार उनकी मौत के 100 साल बाद एक किताब में लिखी गई। एक मिथक ये भी है कि गैलीलियो को बहुत यातनाएं दी गई थी, इस बात में भी कोई सच्चाई नहीं है। सजा के वक्त गैलीलियो की उम्र 69 साल थी। आगे की जिंदगी उन्होंने घर में नजरबंद रह के गुजारी। ऑब्वियसली वो ईजी नहीं था, प्रताड़ना तो थी, लेकिन यातनाएं उनका आधार मिलता नहीं है। अब इस दौरान सजा के तौर पर 3 साल तक रोज उन्हें बाइबल के सूत्र पढ़ने पड़ते थे। गैलीलियो की मौत साल 1642 में हुई। चर्च ने उनके शरीर को उनके माता पिता के साथ दफनाने की इजाज़त नहीं दी। अगेन ये भी प्रताड़ना ही है, इसीलिए एक छोटे से कमरे में उनके शरीर को दफनाया गया। शरीर को इस कमरे से निकाल कर उसकी उचित जगह पर दफनाया गया और इस दौरान कुछ लोगों ने उनकी 3 उंगलियों और 1 दांत को निकाल लिया। ऐसा क्यों किया? दरअसल ईसाई परंपरा में जिसे संत की उपाधि मिलती है, उनकी उंगली और शरीर के हिस्सों को अलग रखने की प्रथा है। ऐसा माना जाता है कि इन अंगों में दिव्य शक्तियां होती हैं। गैलीलियो के अनुयायियों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो दर्शाना चाहते थे कि धर्म के लिए चाहे वो संत हो ना हो, विज्ञान के लिए वो संत हैं। इत्तेफाक आप देखिए कि गैलीलियो की जिन उंगलियों को निकाला गया वो वही थी जिनसे वो पेन पकड़ते थे।
आज भी ये तीन उंगलियां इटली के फ्लोरेंस शहर के एक म्यूजियम में रखी हुई हैं। जहां तक रोमन कैथोलिक चर्च की बात है, गैलीलियो के साथ अन्याय हुआ ये मानने में उसे 300 साल लगे, माना वैसे ये भी एक बात है। साल 1992 में पोप ने माना कि गैलीलियो की बात सही थी। बहरहाल इसी के साथ तारीख का ये एपिसोड यहाँ पे समाप्त होता है। इसे कमल ने लिखा था और विजय ने रिकॉर्ड किया था।